राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी मस्त होंगे। और अभी हो रहा है टाइम 12 बज गए हैं। मेरा काम सारा ख़त्म है, काम काफ़ी पहले ख़त्म हो गया था। और क्योंकि है ना, आज हमारी राधा रानी, मुझे ना ये पोस्टर बहुत अच्छा लगता है। कम से कम ये 4 साल पुराना है। पहले जब तक ठीक था तब तक मैंने पूरा इसका कैलेंडर बनाया और फिर इसको चारों तरफ से कट करके फिर यहाँ पे लगाया। आप लोगों को भी दिखाया था जब मैंने ये लगाया था। और आज विनीत जी गए हैं, सुबह 4:30-5 बजे निकल गए थे वो गए हैं भरतपुर। तभी से मैं कंटिन्यू जगी हुई हूँ। और आज है ना, मैंने ना बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की थी, तो सुबह से मैंने कोई मतलब स्टार्ट नहीं किया। यार सुबह का अधिकतर आप लोग देख चुके हो, तो मैंने ना वो जो जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वो साफ़ करके आई। सब सो रहे थे तब तक, बच्चे भी और मम्मी भी। तनु जग गया था, वो तो दोबारा सुलाया मैंने जैसे तैसे करके, पर फिर भी वो थोड़ी देर सोया। तो वो जो जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वो वाला भी साफ़ किया और प्लॉट भी सारा साफ़ किया। और मम्मी के उठने से पहले आज मैंने भैंस भी वहाँ पे बांध दी, मतलब सारा काम जल्दी जल्दी करके फिर मैं नहा ली। फिर तब चाय बनी आज मम्मी के लिए, पहली चाय आज मैंने नहा के बनाई, नहीं कभी नहीं बनती। तो अभी मैं नाश्ता करने वाली हूँ। नाश्ते में मैंने बनाए हैं आज पोहे और चाय है साथ में। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि मैंने चाय के साथ कुछ नाश्ता बनाया, वो भी दूसरी चाय के साथ। और फिर नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर लेट गई थी, फिर मैंने ना वो गोभी कट कर रखी है। मेरी जी ने खट्टी गोभी ले ली थी, तो मैंने सोचा कुछ सुखा दूँ, मन करेगा तो अचार डालूँगी और नहीं तो सुखा के रख दूँगी। और ये साथ में ना मटर भी रख रखी है मैंने। इसमें ना कुछ है ना, ये पहले से ख़राब थी जब उससे ली थी, तो थोड़ी सस्ती मिल गई, तो मैं ना इसमें से ना थोड़ी जो वैसे फली होंगी ना उनको तो छील के रख दूँगी, और जो अच्छी होगी फ्रेश उसे उठा के रख दूँगी। और आज मैंने ना अपनी बेडशीट धोई थी, काफ़ी दिन से यही देख रहे थे आप सब, और किसी ने मुझसे बोला भी था ये बेडशीट काफ़ी दिन से डली हुई है, तो मैंने कहा चलो चेंज कर दूँ। और ये देखो कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है। ये समथिंग 2:30 या 3 बजे का है, हाँ इतना ही समय होगा, क्योंकि मैं ना यहाँ भैंस को देखने आई थी घेर में, क्योंकि उन्हें देखना पड़ता है बार बार। तो कितना अच्छा मौसम है, ये धूप ले रहे हैं, और मैं अभी इसके बाद है ना भैंसों को चारा डालूँगी, क्योंकि विनीत जी आज है नहीं, वो शाम तक ही आ पाएंगे। अब वो दूर देख रहे हैं, देखो 2 पिल्ले लड़ रहे हैं खेत में। तो चारा वगैरह मैंने डाल दिया था और साथ में अपना स्वेटर भी चेंज कर लिया था, क्योंकि भैंस के चारा डालने जाना तो वो मुँह मार देती हैं। तो ये मेरा गंदा था थोड़ा स्वेटर, तो मैंने इसी को पहन लिया दोबारा, इसे धोना है इस वजह से। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ आटा, ये है मैदा छानी है मैंने, इसमें थोड़ा सा मोमन डाला है। और प्लीज़ आपको कोई भी वॉइस आ रही हो माइंड मत करना, वो हमेशा आपको मिलती होगी, क्योंकि मेरा घर ऑन रोड है, कितना भी स्किप करूँगी पर नहीं हो पाता है। तो ना मैंने ना यहाँ पे आटे में थोड़ा सा इनो डाला है और मोमन डाला है और गुनगुने पानी से आटा लगाया है। आप सोचेंगे ये आटा किस लिए लगा है, तो आज मैं बना रही हूँ मोमोज। विनीत जी काफ़ी टाइम से मुझसे बोल रहे थे मोमोज खाने के लिए, कि घर पे बना मैं पेट भर के खाना चाहता हूँ। हालांकि मार्केट से आता है हमारे घर खाना पीना, और हम ऐसा कोई परहेज नहीं करते कि कोरोना चल रहा है, ये चल रहा है आजकल, ये तो मैं तो आम बात हो गई है, और कब तक किस चीज़ से परहेज करेंगे। मैं तो खा लेती हूँ, पर वो कह रहे थे कि पेट भर के खाना है, तो मैंने इसके लिए लिया है पत्ता गोभी, थोड़ा सा गोभी, शिमला मिर्च, अदरक है, प्याज है 2, और लहसुन है। इसको है ना चॉप कर लिया है चॉपर से, पता है चॉपर ने मेरा काम इतना ईजी कर दिया है, बहुत ही झटपट, मतलब हर चीज़ कट हो जाती है और सुंदर भी लगती है। इसको मैंने चॉप करने के बाद इसका सारा पानी निचोड़ लिया कपड़े में डाल के, और इसमें मैं डाल गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा सा डाला है मैंने, और थोड़ी सी काली मिर्च कूट के डाली है मैंने, और आमचूर पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैगी मसाला और नमक स्वाद अनुसार, मिर्च आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी सी डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली। वैसे गरम मसाला मतलब ज़रूरी होता है इसमें डालना, और काली मिर्च, और इन सबको अच्छे से मैं मिला दूँगी। और इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप इसकी स्टफिंग करें, जब भी बनाने जा रहे हों, तभी इसमें नमक डालें। अगर पहले से नमक डाल के रखेंगे तो ये ज़रूर पानी छोड़ता है, तो पहले से ना डाल के रखें। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लहसुन की चटनी। मैंने ज़्यादा सा लहसुन लिया है, 4 टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा साबुत धनिया लिया है,
और इसमें नमक डाल दूंगी मैं और थोड़ा सा काला नमक डालूंगी और इसको मैं अच्छे से पीस लूंगी। मैं सिंपल से बनाती हूँ, कुछ लोग है ना लाल मिर्ची को फ्राई व्राई करके अच्छे से यानी फुला के फ्राई करके तब छोंक मार के तब इसको पीसते हैं, पर मैं तो सिंपल से बना लेती हूँ, यही बहुत अच्छी लगती है। और इसमें ना मैं बाद में लगाऊंगी तड़का, मैं अपनी चटनी पीस कर ले आई हूँ और इसमें छोंक लगा रही हूँ मैं सरसों के तेल का और सरसों के दाने डालूंगी इसमें। तो ये मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया है और सरसों के दाने डाल के और गैस को बंद करके तब इसमें छौंका मारूंगी। थोड़ी देर इसको अच्छे से चलाऊंगी। और यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ लोइयाँ। फिनी जी आ गए थे, वो बोल रहे थे कि चल तूने सारा काम इतनी देर से लग रही है अकेले कर रही है, चल मैं तेरे साथ इसकी फिलिंग करवाता हूँ। तो उनकी आँख में कुछ गिर गया था, ठंड की वजह से मैंने ना ब्लोअर भी चला लिया था साथ में। तो विनी जी बोल, मैंने उनसे कहा कि आप तो बिल्कुल आगे बैठ गए, बोले कैसे चल मैं इधर बैठ जाता हूँ। तो विनी जी कर रहे हैं स्टफिंग इसकी और मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ, ये देखिए। हालांकि इन्होंने कभी भरे नहीं हैं, रोटियाँ बनानी आती हैं पर है ना मोमोज में थोड़ा डिज़ाइन बनाना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, और आप जेंट्स हो आपने कभी किया नहीं हो तो। वैसे विनी जी को सारी चीज़ें आती हैं पर इनको आ रहा नहीं था बनाना, फिर उन्होंने अच्छे से बना लिया, ये देखिए। है ना अच्छे से, काफी अच्छे से भरा। और ये फिश वाली डिजाइन मैंने बनाई है यहाँ पे, जो फिश की बनाते हैं वो वाली। मैंने उस दिन ना यूट्यूब पे देखा था, किसी ने शॉर्ट वीडियो डाल रखी थी तो काफी अच्छी लगी और काफी इजीली बन भी रही थी, ये देखिए अच्छी लग रही है ना। तो ये रखा है मैंने बहोने में पानी बॉईल होने, ये मेरा अच्छे से बॉईल हो गया है। मेरे पास स्टीमर नहीं है तो यहाँ मेरी जो दूध वाली छलनी है ना मैं उसको रिफाइंड लगा दूंगी यहाँ पे अच्छे से, ताकि मैदा चिपके ना उससे। और मैं इसमें लगा रही हूँ मोमोज को मैं थोड़ा स्पेस देके इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये जब स्टीम होते हैं तो थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर आपस में चिपके ना, इस वजह से मैं थोड़ा दूर दूर रख रही हूँ। ये मैंने इस पे रख दिए हैं और इसको मैं ना एक बड़े से थाल से कवर करके रख दूंगी। तो ये मैंने 15-20 मिनट के लिए रखे थे और अच्छे से हो गए थे, तो वेट करते हैं। ये देखो काफी अच्छे से स्टीम हो गए थे, है ना। इसी तरह से मैं दूसरे भी रख दूंगी। और यहाँ पे वो सारे मोमोज हमने स्टीम कर लिए थे, वे जो फ्राई करने थे वो नीचे फ्राई कर रहे हैं और हम लोग साथ में खाते भी जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे से फ्राई हुए और एक भी पता है फ्राई करने में मैंने देखा है कि फूट भी जाते हैं कुछ, पर नहीं ये नहीं फूटे थे। तो ये तैयार हैं हमारे मोमोज, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। काफ़ी सारे बनाए हैं, पेट भर के खाएंगे। आज खाना नहीं बनाया हमने, बस मम्मी के लिए 2 रोटियां डाली थी बस। विनी जी को देखो कितना बढ़िया से मुंह बना रहे, वाकई में यार इतने टेस्टी बने थे बहुत ज़्यादा। तनु सो गया था, मैं उसे सुला रही थी फिर बाद में खाऊंगी।
यार मोमोज बनाने में ना खाने में जितने अच्छे लगते हैं ना, बनाने में भी इजी है, यूं ही बन जाते हैं। ना कुछ फ्राई करो ना कुछ, बस पत्ता गोभी मतलब कट करो अच्छे से और अपने झटपट तैयार जो स्टफिंग होती है हमारी। और वो जो भरते हैं ना, एक आइडिया एक बार पता है आपको मैंने शेयर किया था, वो भी अच्छा था, मुझे किसी वाइटी सिस ने बताया था। अपनी जी बोले आज है ना प्रॉपर तरीके से बने हो, तो मैंने ना प्रॉपर तरीके से बनाए, तो मैंने खुद विनी जी को बैठा लिया। मैंने कहा चलो आप भरो और मैं बेलती हूँ, मम्मी को भी पसंद है, थोड़े से मम्मी ने खाए, मम्मी फ्राई ज़्यादा खाती है। मेरे हाथों की जो स्किन है ना वो ना पहले से थोड़ी ठीक हो गई है। मैं ना इन पे ना बेसन और है ना दही का स्क्रब बना के और थोड़ी देर से ऐसे करके मतलब लगा के थोड़ा सा और फिर अच्छे से मल लेती हूँ, तो थोड़ा सा फेयरनेस हुई है। पर आई होप कि ये 15-20 दिन में ठीक हो जाए अगर मैं ऐसे करूँ, पर मुझे याद रहता है तो कर लेती हूँ, नहीं नहीं कर पाती। वैसे नींबू से अच्छे से चले जाते हैं, नींबू लगाओ आलू लगाओ, पर नींबू अभी ठंडा है ना इस मौसम में, इस वजह से मैं नहीं लगा रही हूँ। मेरे पास डेली कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। आज पता मैं है ना भैंस बांध रही थी, तो वो ना सांकर हमारी भैंस आप जानते शरारती है तो है ही, उनका है ना फंदा कुछ और तरीके से पड़ता है, नॉर्मली जैसे लोग लगाते हैं वैसे नहीं पड़ता, तो क्योंकि निकल ना जाए खूंटे में से, इस वजह से। तो आज मेरे फिर चोट लगी, वो मुझसे खुलता नहीं है। और विनीत जी पता है इसी बात के लिए मुझे डांटते हैं, तुझे इतने दिन हो गए भैंस बांधते बांधते तुझे ये मोरा खुलना नहीं आया, तो मुझे डांट पड़ती है इस बातों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, मोमोज कैसे लगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? तब तक के लिए राम राम।